है बाइक की स्पॉट यहाँ पे आती हुई दिख रहे हैं जोन में। बाइक का एक इंसेन बाकी रहता है जो कि यहाँ पे बगी से फिलहाल एक सेफ है, उनके ऊपर भी शॉट आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि बगी जो ऑलमोस्ट छूट चुके हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे इंसेन भी फिनिश होते हुए दिखेंगे और इसी के साथ टीम फोर इंडियन प्लेयर के काफी क्लोज आते हुए दिख रहे हैं। वाओ नेरो ताका जैसा कि देखते हैं उन्होंने स्पॉट के लिए टीम 14 के प्लेयर के ऊपर नेड करते दिख रहे हैं। क्या यहाँ पे ये नेड लैंड होगा, यहाँ पे मॉली का यहाँ पे मिस बाकी रहेंगे और एक लास्ट प्लेयर बाकी रहेंगे टीम 14 के। एनटीटी की प्लेयर्स यहाँ पे फाइट लेते हुए दिख रहे हैं, सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पे बसंत बचाते हुए दिख रहे हैं। एनटीटी की स्क्वाड यहाँ पे उनके पास काफी अच्छा कंपाउंड है, एक ही टीम है जो कि काफी अच्छे कवर में हमें देखने को मिल जाएगी। सारे के सारे बंदे उनके स्टेज यहाँ पे टाका नॉकआउट होते दिख रहे फ्लैश की स्क्वाड के द्वारा। फ्लैश की स्क्वाड का यहाँ पे ऑन काफी बढ़िया चलाते हुए दिख रहे हैं नाक हंटर जैसा कि हम देख सकते हैं। कॉरल के गिल जो कॉरल के लास्ट मैन स्टैंडिंग यहाँ पे टीम 8 के एक बंदे को नॉकआउट किया, तो कॉरल के गिल भी काफी बढ़िया खेलते हुए दिख रहे हैं। जोन के बाहर है अभी फिलहाल, अभी हमें 8 टीम और 18 टोटल प्लेयर्स लाइव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे काफी हमें सोलोस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे नॉट की शेरलॉक यहाँ पे नॉट की पूरी स्क्वाड वाइपर होते हुए दिख रही है। इसी के साथ एफएल की स्क्वाड दिक्कत में आते हुए दिख रहे हैं, एफएल का एक बंदा नॉकआउट होते हुए दिख रहा है। लेट्स सी उसे रिवाइव मिल पाएगा कि यहाँ पे काकिन जो है वो पोजीशन स्पॉट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मौत यहाँ पे रिवाइव करते हुए दिख रहे हैं अपने प्लेयर को। लेट्स सी क्या रिवाइव हो पाएंगे यहाँ पे टीम फ्लैश के, ये प्लेयर्स क्या फॉर्मेट स्पॉट यहाँ पे वो कर पाएंगे, स्टेटस जाने तक पाएंगे, क्योंकि अभी एनटीटी के भी चारों के चारों प्लेयर बाकी। यहाँ पे एनटीटी के प्लेयर्स यहाँ पे बसंत मचाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे निंजा को नॉकआउट कर दिया है तो बढ़िया खेलते हुए दिख रही है। अभी तो एनटीटी के स्क्वाड 13 हो चुके हैं तो बसंत मचाते हुए दिख रहे हैं। गिग के मित्र ने यहाँ पे एफएल के नक हंटर को नॉकआउट किया है, तो यहाँ पे काफी फाइट चलते हुए दिख रही है। 6 टीम अब बाकी रहेगी सिर्फ यहाँ पे। यहाँ पे टीम 15 के प्लेयर्स निकलते हुए दिख रहे हैं, जेड गॉड के प्लेयर जेड गॉड ने यहाँ पे स्पॉट कर लिए तो जेड गॉड वापस कॉल बैक करते हुए दिख रहे हैं। इसी के साथ क्लच गॉड ने वॉर्नरों के यहाँ पे एक बंदे को नॉकआउट किया तो काफी बढ़िया खेलते हैं। तो चले जाते हैं क्लच गॉड के पास, यहाँ पे क्लच गॉड ने दो प्लेयर को नॉकआउट कर यहाँ पे गाना भी और एक यहाँ पे क्या करते हैं कुछ कर पाएगा कि नहीं। लास्ट प्लेयर गॉड के साथ क्लच गॉड और घातक ने मिलकर पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर दिया। और वो भी फिनिश हो चुका है एनटीटी के चारों के चारों प्लेयर बाकी। सो इट्स नाउ 4v1v1 एनटीटी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लच गॉड ने यहाँ पे और एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया, गॉरल के गिल ने यहाँ पे मारा है, तो गॉरल के गिल जो है वो काफी हद तक कैरी करते हुए दिख रहे हैं गॉरल की स्क्वाड को, अकेला उन्होंने कैरी किया है यहाँ पे थर्ड पोजीशन तक तो कैरी कर लिया। देखते हैं आगे कहां तक कैरी करते हैं। इसके साथ यहाँ पे गॉरल के गिल ने लास्ट मैन को भी यहाँ पे फिनिश कर दिया है, तो अब होता है 4v1 अगेंस्ट टीम एंटिटी। तो देखते हैं यहाँ पे गिल कुछ कर पाते हैं। जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि अगर एंटिटी की टीम के पास जोन आ गया तो उन्हें चिकन डिनर के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे कॉरल के गिल ने नियो को स्पॉट कर लिया, नियो के पास स्पॉट है, यहाँ पे नियो को नॉकआउट कर दिया। क्या यहाँ पे कॉरल के गिल 1v4 क्लच कर पाएंगे अगेंस्ट एंटिटी। यहाँ पे जेड गॉड और क्लच गॉड जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों ही गॉड गॉड जो है वो कॉरल गिल के ऊपर यहाँ पे क्लच करते हुए दिख रहा है। क्या कर पाएंगे गिल काफी लो यहाँ पे एक और इसी के साथ गिल जो है वो फिनिश होते हैं और एनटीटी का काफी प्यारा चिकन डिनर हमें देखने को मिल